कोरोना काल से ही रेल के पहिए थमने का सिलसिला जो है अब तक जारी है। संचालन जो पूरी तरीके से बंद था उसे सही तरीके से बहाल भी नहीं किया गया है। यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और यात्रियों की परेशानी को लेकर कांग्रेस काफी दुखी है, कांग्रेस काफी आक्रोशित है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े स्टेशनों से लेकर छोटे स्टेशन में यात्री ट्रेनों को रोकते हैं। कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन को लेकर आरपीएफ ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। देश में यात्री ट्रेनों के परिचालन लगातार रद्द किए जाने के चलते विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार निजीकरण कर जनता को लूटने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों ब्लॉकों में रेल रोको आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। इस दौरान कांग्रेस और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई। वह इस पर बीजेपी ने कहा कि राजधानी के अंदर सिटी बस संचालन न कर पाने वाली कांग्रेस की सरकार आज रेल के संचालन पर सवाल उठा रही है, जो बहुत हास्यास्पद है, जबकि केंद्र सरकार रेलवे के विकास कार्य में निरंतर अग्रसर है। इस प्रदर्शन को भाजपा ने कांग्रेस के तिलमिलाहट का घोतक बताया है। ट्रेनों की पटरी के नीचे आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह रेल रोको आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने ट्रेन की पटरियों के नीचे सोकर आंदोलन किया है। नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में हैं, उनके कान तक ये आवाज़ जाना चाहिए, उनको दिखाई देना चाहिए। उनसे जाकर सवाल तो पूछिए कि आज छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा शौचालय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। देखिए अभी लगातार इसको लेकर अलग अलग तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार अपनी सिटी बस तक नहीं चला पा रही है, वो रेलवे के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, दोहरीकरण को क्या समझेगी? और रेल चलाने की मांग को लेकर रेल रोकना, इससे बड़ी नौटंकी और हो क्या सकती है? यूपीए शासन काल में जब कांग्रेस का केंद्र में शासन काल था तो छत्तीसगढ़ को रेलवे के लिए मात्र 311 करोड़ रुपए ही आवंटित किए जाते थे। नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है 6000 करोड़ रुपए रेलवे के विस्तारीकरण के लिए छत्तीसगढ़ को मिलता है बस। और जनता इस बात को समझती है, जो थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है उसको जनता जानती है, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है। तो ट्रेन के थमे पहियों का संचालन देर सवेर शुरू हो ही जाएगा, लेकिन इस मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, इसे लेकर सियासत भी जारी है। आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव होगा, चुनावी परिणाम बताएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के, माफ करिए, कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन की हो रही है, अब इस पर चर्चा तेज है। सबसे पहले तो कांग्रेस के विकास उपाध्याय सीधे तौर पर राजधानी में रेलवे ट्रैक पर लेट जाते हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से जरा दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा शुरू करेंगे। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एक तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर लेट चुके हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के बाकी के जो कार्यकर्ता हैं, जो दिग्गज हैं, वो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। ये दो तस्वीरें सीधे तौर पर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की इन तस्वीरों के बाद कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाया है। सीधे सीधे बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस की मानसिकता जो है वो ओछी है, इसलिए इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टेशन के अंदर हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उतरे हुए नजर आए हैं। प्रदेश भर से इस तरीके की तस्वीरें सामने देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का रेल रोको आंदोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से, पहली तस्वीर जो देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय जो है रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए हैं, उनके आसपास कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं रेल रोको आंदोलन को लेकर। कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने रेलवे व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। देश की जो सबसे विश्वसनीय ट्रांसपोर्टेशन, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसे केंद्र सरकार निजीकरण की ओर ढकेलती हुई दिख रही है। तो केंद्र सरकार के प्रति कांग्रेस ने इस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप विकास उपाध्याय को देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में कांग्रेस के बाकी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं।
ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जहां पर विकास उपाध्याय और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं, और दूसरी जो तस्वीर है उसमें कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, दूसरी तस्वीर जहां रेलवे ट्रैक पर ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उतर गए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कुछ कार्यकर्ता जो है रेलवे ट्रैक पर रुक गए, तो कुछ जो है ट्रेनों के परिचालन को एक तरीके से प्रभावित करते हुए नजर भी आए। इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई है। हालांकि इस बीच सीधे तौर पर बताया ये भी जा रहा है कि रेलवे ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था, तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जहां पर कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय, दूसरी तस्वीर कांग्रेस के बाकी के कार्यकर्ता। हालांकि इस पर सियासत भी तेज है, बीजेपी अपने तरफ से ये कह रही है, आरोप ये लगा रही है कि कांग्रेस की ओछी मानसिकता जो है वो पता चल रही इस विरोध प्रदर्शन के जरिए। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से तौकीर जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से श्री कुमार जी जुड़े हुए। आप दोनों का रफ्तार मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है, और जो मेरा सवाल है वो कांग्रेस के लिए श्री कुमार जी आपसे है, ये जो पूरे दिन आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, हम यहां पर विकास उपाध्याय जी को भी देख पा रहे हैं वो रेलवे ट्रैक पर लेट गए, प्रदेश भर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करके रेल रोको आंदोलन करके पूरे दिन में क्या कुछ पाया है, जरा कांग्रेस का हम नजरिया समझना चाह रहे हैं श्री कुमार जी। जी और पूरे देश के अंदर रेलवे हमारा पिछले चार साल में खेल है, हमारे ज्यादा जवाब पिछले चार साल से लगातार देख रहे हैं कि 8,000 से ज्यादा ट्रेनों को निलंबित या स्थगित कर दिया गया। पिछले दौरान पहले के दौरान ऐसा लगा तकनीकी कारणों से श्री कुमार जी की जो आवाज है वो हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश ये करेंगे दोबारा उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें। हालांकि कांग्रेस ने अपने तरफ से जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, तमाम पूरे प्रदेश भर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। अब चलते हैं जरा बीजेपी के पास, तौकीर रजा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। तौकीर जी, कांग्रेस इसे इस पूरे प्रदर्शन को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि देश भर में, देश भर की जो सबसे विश्वसनीय परिचालन की व्यवस्था ट्रेन है, रेलवे है, उसे केंद्र सरकार ने बर्बाद करके रख दिया, धराशायी कर दिया है, परिचालन को प्रभावित किया जा रहा ताकि इस पूरी व्यवस्था को निजीकरण की ओर धकेला जाए। तौकीर जी, इन आरोपों पर जरा जवाब दीजिएगा। तौकीर जी से भी किसी तरीके से संपर्क टूट गया, तो एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखा दें, दो तस्वीरें जहां एक तरफ विकास उपाध्याय, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है रेलवे स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, स्टेशन के अंदर हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है रेलवे स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। रोको आंदोलन, दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जहां पर विकास उपाध्याय रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए दिख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जहां पर कांग्रेस जो अपने स्तर से प्लेकार्ड्स लेकर, पेपर्स लेकर अपना विरोध जताते हुए दिख रही है। तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कांग्रेस अपने स्तर से दिखाने की कोशिश करेगी किस तरीके से पिछले कुछ समय में रेलवे परिचालन जो है, परिचालन की जो व्यवस्था है वो बर्बाद हो चुकी है। अब एक बार जरा दोनों पक्षों की तरफ से जो बयानबाजी हुई है उस बयानबाजी को हम जरा आपको सुना देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट्स पास किए गए हैं वो जरा सुन लीजिए। ट्रेनों की पटरी के नीचे आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह रेल रोको आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने ट्रेन की पटरियों के नीचे सोकर आंदोलन किया है। नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में हैं, उनके कान तक ये आवाज़ जाना चाहिए, उनको दिखाई देना चाहिए, उनसे जाकर सवाल तो पूछिए कि आज छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा शौचालय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। देखिए अभी लगातार इसको लेकर अलग अलग तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार अपनी सिटी बस तक नहीं चला पा रही है, रेलवे के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, दोहरीकरण को क्या समझेगी?
और रेल चलाने की मांग को लेकर रेल रोकना इससे बड़ी नौटंकी और हो क्या सकती है। यूपीए शासनकाल में जब कांग्रेस का केंद्र में शासनकाल था तो छत्तीसगढ़ को रेलवे के लिए मात्र 311 करोड़ रुपए ही आवंटित किए जाते थे। नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है 6000 करोड़ रुपए रेलवे के विस्तारीकरण के लिए छत्तीसगढ़ को मिलता है बस। और जनता इस बात को समझती है, जो थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है उसको जनता जानती है, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है। ट्रेनों की पटरी के नीचे आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह रेल रोको आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने ट्रेन की पटरियों के नीचे सोकर आंदोलन किया है। नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में हैं, उनके कान तक ये आवाज़ जाना चाहिए। तो पूरे दिन कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। स्टेशन के अंदर भी विरोध दिखा, स्टेशन के बाहर भी विरोध दिखा। अब इस विरोध की क्या कुछ तस्वीरें रही हैं, छत्तीसगढ़ न्यूज हेड हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंबिका मिश्रा फोन लाइन पर। अंबिका जी, पूरे दिन कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन ये समझ से थोड़ा पड़े है कि जिस जनता के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था वही जनता आज काफी परेशान हुई है इस विरोध प्रदर्शन से। अंबिका जी, क्या कुछ तस्वीरें रही छत्तीसगढ़ में? इस प्रकार से बता दें कि आज कांग्रेस का पूरा प्रदेश व्यापी रेल रोको आंदोलन था जो केंद्र सरकार के खिलाफ था, और साथ ही साथ कोरोना काल से जो ट्रेन के जो पहिए थमे हुए थे जिसका संचालन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, इसे लेकर के आज कांग्रेस ने जो है रेल रोको आंदोलन किया जिसका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। और बात करें यदि जो डेली के आने जाने वाले जो पैसेंजर है जो अपने ऑफिस कार्यालय यहाँ पर आते हैं, साथ ही साथ जो लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा करने वाली जो सवारी है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा जैसे अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग जिलों से निकल कर आई है। और बात करते हैं राजधानी रायपुर की, क्योंकि राजधानी रायपुर जो है सेंट्रल में पड़ता है और यहाँ पर हर एक राज्यों के लिए ट्रेनों की जो है आवाजाही यहाँ पर बनी रहती है। आज हम देखिए इनके इस आंदोलन से जहाँ जनता के लिए ये आंदोलन तो कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में, लेकिन आज भी वही जनता पिछले 4 घंटे से काफी परेशान होती हुई नजर आई। कई लोगों की ट्रेन चली गई, कई लोगों को तो एक पल में समझ भी नहीं आया कि आखिर स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ चल रहा है। वो जब तक समझ पाते तब तक वहां पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि वहां पर अफरा तफरी का भी माहौल जो है वहां पर व्याप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता को परेशानी तो हुई है, लेकिन अब आम जनता को ये समझाना वो मुश्किल हो रहा है कि कांग्रेस ने उन्हीं के लिए उनकी परेशानी दूर करने नहीं, लेकिन 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 अंबिका जी एक सवाल यहाँ पर निकल कर ये आता है कि कोशिश तो कांग्रेस की, सोच तो चलिए मान लेते हैं काफी पॉजिटिव रही, जनता के हक की बात हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से आज पूरे दिन परेशानी हुई, क्या एन विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके का आंदोलन जो है कांग्रेस के लिए नेगेटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, लेने का देने नहीं पड़ जाएगा? अभी आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की जनता को अपनी तरफ रिझाने का एक प्रयास हम कह सकते हैं, और ये पूरी तरह से सांकेतिक था, क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के विरोध प्रदर्शन भी बढ़ते ताकि आम जनता का ध्यान जो है उनकी तरफ चला जाए और पिछली जो सरकार की जो भी कामकाज रहे उसे के वर्तमान में जो उनकी परेशानी है उसे वो देकर जो समर्थन कर रही है जो प्रदर्शन कर रही उस पार्टी की तरफ से जो जनता जो आकर्षित होती है। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी हथकंडा हम इसे कह सकते हैं जिसे यात्रियों का नाम दिया गया है, यात्रियों की परेशानियों के लिए नाम दिया गया, लेकिन पूरी तरह से कहा जा रहा है कि जनता को अपना ध्यान आकर्षित करने का एक पूरी तरह से आंदोलन ये हम इसे कह सकते हैं। अंबिका जी, एक और सवाल आपके लिए है कि जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन हुआ है, बीजेपी इस आंदोलन को सही नहीं मान रही है, सीधे तौर पर इसे कांग्रेस की ओछी मानसिकता करार दे रही है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अगर हम रायपुर की बात करें या तमाम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के शासनकाल में सिटी बस चलाने की मांग की गई थी। कोरोना के पहले जो सिटी बसों का संचालन हुआ करता था उसका संचालन अब तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस के लोगों का ये कहना था कि सिटी बसों का संचालन जो हो पाएगा, लेकिन आप बाकी जिलों की तो बात छोड़िए, राजधानी रायपुर में अब तक सिटी बसों का संचालन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इसे लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने भाजपा ने दिया है और ये कहा है कि जो सरकार सिटी बस का संचालन नहीं कर सकती वो रेल के संचालन पर सवाल उठा रही है। चलिए ठीक है, ठीक है अंबिका जी, अंबिका जी यही माफी चाहेंगे आपको यहाँ रोकने के लिए। तौकीर रजा जी से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगले कुछ मिनटों में हम तौकीर रजा जी से भी जुड़ेंगे। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ तस्वीर, पहली तस्वीर जो है वो विकास उपाध्याय जी की तस्वीर है और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं।
हमारे साथ बीजेपी से तौकीर रजा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। तौकीर जी, पूरे दिन कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहा है कि जिस जनता के लिए विरोध प्रदर्शन किया वो जनता पूरे दिन हलकान रही है, बीजेपी इसको लेकर क्या कुछ सोच रही है, बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? देखिए, जनता के लिए ही रेल सुविधाओं की विस्तार करने के लिए पहले रेल जो है सिंगल लाइन चलती थी, बाद दोहरीकरण का काम चलता रहा, लेकिन बहुत कई साल तक रेलवे का जो दोहरीकरण है कई जगह रुका रहा। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रेल सुविधाओं की हमेशा कमी रही कांग्रेस शासन में। आप देख लीजिए 55-60 सालों में, 2014 के पहले देख लीजिए, आपने कितना बजट दिया, 2009 में 2014 के लिए सिर्फ 311 करोड़ का बजट उन्होंने दिया है। आप अंदाज लगाइए, और माननीय मोदी जी ने अभी 2022-23 में 6000 करोड़ से ऊपर की बजट दिया है। और छत्तीसगढ़ में जो जहां पर अबू इमान और नारायण गुप्ता कभी किसी ने ओरछा तक कभी किसी ने देखा नहीं था, वहां भी पहुंचा दी है। और उसके अलावा एक लाइन है, दो लाइन है, तीन जो लाइन है उसका जो है विस्तार किया जा रहा है, रेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, रेल सुरक्षा का विस्तार किया जा रहा है, यात्री सुरक्षा का विस्तार किया जा रहा है, यात्रियों की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। और इंतजार यही करते थे कि हमारे को रेल की सुविधा नहीं, लेकिन 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 तौकीर जी कांग्रेस सीधे सीधे यह आरोप लगा रही कि जिस तरीके से ये पूरी कुव्यवस्था हो गई है पिछले कुछ समय में, सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ये कह रही है कि रेलवे को निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेला जा रहा है, इसलिए रेलवे को जो है कुव्यवस्था में ढकेल दिया गया, बर्बाद कर दिया गया है। ऐसा है, कुव्यवस्था वाला मैटर ही नहीं है कि जब आप कोई चीज बनाया जाता है तो रेलवे का सिस्टम आता है कि वो कनेक्टेड होता है, रेल लाइन जो कनेक्ट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होती है। और जहां पर सुविधा दी जा रही है, जहां पर विस्तार किया जा रहा है, जहां पर आपका जो बनाया जा रहा है कई जगह उनको ब्रेक उसको बनाने के चक्कर में जो है कनेक्शन काटा जाता है, लाइन को ब्रेकअप किया जाता है, उसकी ब्रेक किया जाता है, तो उसके चक्कर में जो है ट्रेनें कैंसिल की जाती है बहुत सारी, और ट्रेन को आज ले नहीं सकते क्योंकि धोखे से भी अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा तो एक बड़ी दुर्घटना होने का। चलिए ठीक है। तौकीर जी, माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, समय की बहुत कमी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।